हल्का पेहवा के मध्य आने वाली ग्राम पंचायत ठसका मीराजी के सरपंच दिलबाग सिंह गुराजा ने गांव में लगवाए टीकरी पहरे ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश ना कर सके। वहीं गांव में 7 व्यक्ति विदेश से और 43 से 44 के करीब महाराष्ट्र में कंपेन चला के आए थे, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है और डॉक्टरों की टीम लगातार उन्हें घर पर ही आके चेक कर रही है। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए हल्का पेहवा से सुभाष चंद की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ठसका मीरा जी के सरपंच दिलबाग सिंह गुराया द्वारा जब से भी यहां पर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है तब से गांव में टिकरी पैरा लगाया हुआ है, जो कि शुरू से ही यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जा रहा है। गांव से हर एक आने जाने वाले व्यक्ति की पूछताछ हो रही है, हर एक के हाथ सैनिटाइजर से धोए जा रहे हैं और सरपंच साहब पूरी एक्शन लेते हैं हर एक छोटी मोटी बात पर। और हम आप सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हर गाँव के छोटे मोटे स्टेप पर अपना पूरा सहयोग देते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेश है। अब तक कितने लोग हैं जो फॉरेन से आए हैं, क्वारंटाइन किया गया है जिनको यहाँ पे? जो फॉरेन से आए हुए हैं वो तो 7 पर्सन ही हैं और जो बाहर से अदर स्टेट से आए हुए हैं वो काफ़ी लोग हैं, जिनमें से 50-55 के करीब करीब हैं जिनको डॉक्टर साहब ने और आशा वर्कर टीम में उनकी चेकअप कर रहे हैं और ऐसा उनमें कोई भी अभी तक कोई लक्षण नहीं मिला जो कोरोना वायरस की तरफ भेजता हो। तो सर उनको खाना आपकी तरफ से प्रोवाइड हो रहा है या घर पे ही प्रोवाइड हो रहा है? नहीं, उनको अलग से वो अपने कमरे में रह रहे हैं और अलग से उनको जो खाना बनाया है उनके घर वाले उनके परिवार वाले ही मुहैया करवा रहे हैं और वो घर से बाहर भी नहीं आ रहे, गली मोहल्ला शहर गाँव में कहीं भी नहीं जा रहे। वो क्वारंटाइन करिए हुए हैं तो क्वारंटाइन में ही